भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला इकाई ने 33% आरक्षण के मसले पर एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। कांग्रेस की महिला इकाई ने सोशल मीडिया पर #ModiStallsWomen अभियान शुरू किया है। इस अभियान पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की मुखिया चित्रा सरवारा ने कहा कि हम सत्तारूढ़ दल को इस मामले को स्वीकार करने के बाद संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे पहले महिला कांग्रेस ने बीते साल मई 2017 में #WomenFor33 अभियान शुरू किया था। इसके तहत 32 लाख दस्तखत कराए गए थे। उसके बाद बीते साल 17 सितंबर को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मोदी को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि महिला आरक्षण पर देरी क्यों की जा रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया संयोजक हसीबा अमीन ने ट्वीट कहा कि अपने साल 2014 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने दावा किया था कि वो महिला आरक्षण बिल पास कराएगी, लेकिन अब भी वो उस पर कुछ नहीं बोलते। क्यों ये झूठ सिर्फ मतदाताओं को रिझाने के लिए बोला गया था? देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।